मुंबई के रे रोड दारूखाना उडपी होटल के पास भाजपा मुंबई युवा प्रमुख और उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जावेद खान के तरफ से भाईखला विधानसभा वार्ड क्रमांक 209 में बीते 25 तारीख से जरूरतमंद लोगों को भारी संख्या में कंबल वितरण और बच्चे बच्चियों को ठंड से राहत हेतु गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। 25 दिसंबर से शुरू हुआ यह कार्यक्रम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कार्यक्रम हर साल होता है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में जावेद खान को चाहने वाले तमाम नेतागण भी जावेद खान के नेक कार्यों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो ही शाम तक चले कार्यक्रम में मौजूद लोगों की बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकीय पुरोहित का संस्था की टीम की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। तो वही राजकीय पुरोहित ने जावेद खान को समाज का सच्चा युवा सेवक बताते हुए उन्हें गरीबों का मसीहा कहा। कार्यक्रम में और अतिथियों की बात करें तो उद्योगपति, समाज सेवक, कपड़ा व्यापारी और पंजाब एसोसिएशन ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट मुंबई के अध्यक्ष एसपी आहूजा, भाजपा महाराष्ट्र ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष रोहित दास लोखंडे, उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी महबूब खान खैरवा, संपत राज जैन, नसीर खान, मंगेश कनौजिया, मखमूर खान, सुरेंद्र चौधरी, नीलेश शाह की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम का सफल संचालन मंगेश कनौजिया ने किया। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। उनके मैनेजिंग ट्रस्टी उनके मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद भाई, जावेद खान साहब, पिछले कई वर्षों से सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटते हैं, दिवाली में शक्कर और मावा बांटते हैं, परीक्षा के दिनों में नोटबुक बांटते हैं, गरीब विद्यार्थियों को स्कूल के फीस में मदद करते हैं, ईद में सेवैया बांटते हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं है, बरसात में छतरियां बांटते हैं। उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमारे दक्षिण मुंबई और विशेषकर भाईखला में एक सेवा का इतिहास बनाया है। कभी कभी लोग जाते हैं कुछ मांगने के लिए, पर मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जावेद भाई का, वो मांगने देने का मौका ही नहीं देते, सामने से सेवा दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूँ, मैं कुछ आपके काम आ सकता हूँ। मैं उनको मंत्रालय में देखता हूँ, मैं उनको विधानसभा में देखता हूँ, मैं उनको महानगर पालिका में देखता हूँ, मैंने उनको वार्ड ऑफिस में देखता हूँ। कोई ऐसा काम नहीं कि वो बिल्डर है कि कॉन्ट्रैक्टर है, खुद के स्वार्थ के लिए वहाँ हाजिरी लगा रहे हो। उनके साथ कोई रहता हो तो गरीबों की फौज देते हैं, उनके साथ कोई रहता हो तो जूने मकानों में रहने वाले भालू रहते हैं, उनके साथ कोई रहता हो तो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो आम जनता रहती है, किसी को पानी, किसी को ड्रेनेज, किसी को इलेक्ट्रिसिटी, किसी का गटर, किसी का छपरा, तो किसी की दीवार, किसी का टॉयलेट, इन सारी समस्याओं के लेकर सरकार की दीवारों को टकराते हैं और लोगों को न्याय देने का काम। पिछले दिनों में सर्दी को 2-3 दिन ही हुए पर उनके मन में एक उमंग जागी, इस समय सर्दी का मौका में तो कंबल बांटने चाहिए, और तुरंत उन्होंने हजारों कंबल विभिन्न लोगों से सहयोग करके जुटाए। और आज आपने बाहर देखा है सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं, कल भी सैकड़ों की संख्या में लोग थे, परसों भी सैकड़ों की संख्या में लोग। सर, ये कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चलेगा, 25 तारीख से चालू है, तो जिस तरह से ये सब काम जो है जीते हुए प्रतिनिधि को करना चाहिए, और जावेद भाई अभी जनप्रतिनिधि नहीं है इसके बावजूद भी 1 हफ्ते का कार्यक्रम रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि साइकिल से थे, मर्सिडीज वाले हो गए, जनप्रतिनिधि हवा में उड़ रहे हैं, कमंड हो गया उनको, पर जो सच्चा कार्यकर्ता है रोहित दास लोखंडे जैसा, महबूब भाई जैसा, जावेद खान जैसा, वो जनता से जुड़ा हुआ है, जो गलियों से जुड़ा हुआ है, जो मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो त्योहारों से जुड़ा हुआ है, जो तारीखों से जुड़ा हुआ है, वो आज हमारे बीच में है। बड़े लोग तो चुनाव में आएंगे ना जी, अभी तो उनको सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, पाँव गंदे हो जाएंगे,
कपड़े खराब हो जाएंगे। कब आएंगे? जब चुनाव आएंगे और धीरे धीरे जो 5 साल में माल खाया है उसको बांटने आएंगे। तो 100 रुपये में 5 रुपये बांट देंगे, 95 घर लेके जाएंगे और बाद में मजा करेंगे। मन में बोलते हैं सेवा करेंगे सेवा करेंगे, और फिर बोल रहे हैं मेवा खाएंगे मेवा खाएंगे। तो मेवा खाने वाले लोग तो चुनाव में आते हैं, चुनाव हो या ना हो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने वाले, चुनाव हो या ना हो हमेशा लोगों के साथ में खड़े रहने वाले ये हस्तियाँ हैं। आज समाज जिंदा है ना, आम जनता जिंदा है, गरीब जिंदा है, तो ऐसे लोगों की वजह से जिंदा। और हमारे जैसे कार्यकर्ता भी आते हैं ना दौड़ के, इनकी कार्य क्षमता को देख के, कार्यशैली को देख के, इनकी त्याग और तपस्या को देख के आते हैं। इसलिए धन्य है कार्यकर्ताओं का, मैं भी धन्य हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम ही ऐसा है जो लोगों में उमंग फैला दे। जी, उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो भाईकला विधानसभा में रहता हूँ, गरीबों की दुख दर्द को समझने वाली ये ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट बना, ये ट्रस्ट का मकसद ये था कि हम लोगों के बीच रहे, लोगों के काम आए। या बहुत सारी ट्रस्ट है मुंबई शहर में इस विभाग में, लेकिन सच में अगर कोई ट्रस्ट काम करती है तो उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट काम करती है। उसमें महबूब भाई हमारे संपत जी है और जावेद भाई के नेतृत्व में से मामले नीलेश जी है, ये बहुत अच्छा काम करे। आज 2 या 3 हज़ार लोगों को कंबल बांटना कोई मामूली बात नहीं होती है। एक कंबल अगर 200 रुपये का होता है तो खुद के पैसे से, ना वो तो नगर सेवक है, ना कोई मंडल में वो चेयरमैन है, ना कोई सदस्य है, लेकिन अपने पैसे से, अपने जेब से जो भी छोटा मोटा कारोबार है उससे जो पैसा बचता है वो पैसा बच के अपने लोगों के काम में आने वाले, कोई समाज सेवक करते जनसेवक कहते हैं। और ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं, इसलिए जैसे हमारे पूर्वज साहब ने कहा कि समाज इनके ऊपर निर्भर रहता है और समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, और ऐसे ट्रस्ट जो है जो समाज के लिए उपयोगी पड़ती है, ऐसे ट्रस्ट को मैं वंदन करता हूँ। मैं सभी उनके ट्रस्टी को भी नमन करता हूँ। थैंक यू सर। कल मैंने लोखंडे साहब को फ़ोन किया कि सर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हूँ और आपको पधारना है, मेरा उत्साह बढ़ाना है। एक फ़ोन पे लोखंडे साहब यहाँ आ गए। इसी तरह से मैंने फ़ोन किया रांची को, जो कि अभी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत बिजी रहते हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता को दिमाग में रख करके, ये मुंबई नंबर 10 है लेकिन किसी को पता नहीं मुंबई में है, ये इतना अंदर है, फिर भी मेरे लिए कहाँ कहाँ से ट्रैफिक की खाक छानते हुए मेरे कार्यक्रम में आए, मेरा उत्साह बढ़ाए, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सर पुरोहित सर और लोखंडे सर जिस तरह से इस कार्यक्रम में आए हैं, एक स्लम एरिया लगता है, यहाँ पे तमाम नेता आने से कतराते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, नेता तो यहाँ से बने हैं, छगन भुजबल यहाँ से बने, बालन गावकर साहब यहाँ से बने, संजय नायक साहब यहाँ से बने, अभी यशवंत यादव साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और यहाँ के नगर सेवक, वो यहीं से बने हैं, समझे ना। और हमारा छोटा छोटा जो काम होता है ना, छोटा छोटा काम, तो छोटा छोटा काम के लिए मैं इनके लोखंडे साहब के पास जाता हूँ, सिर्फ फ़ोन करता हूँ, साहब हॉस्पिटल में तकलीफ है, वहाँ अपना आदमी भेज करके की, तो पूरी टीम है माशाल्लाह। BMC का अलग काम देखने वाला एक बंदा है, हॉस्पिटल का अलग देखने वाला है, मंत्रालय का अलग देखने वाला है, हर एक टीम को लगा के रखे हैं, फटाफट काम हो जाता है। सिर्फ मुझे फ़ोन करना होता है, मैं सिर्फ जोड़ने का काम करता हूँ, इनसे इनको मिला देता हूँ और मेरा काम बहुत ईजी तरीके से आसान कर देते हैं। लोखंडे साहब के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा जी, कि लाखों की बस्ती में एक ही हस्ती, हमारा रोहिदास लोखंडे, एक नंबर आदमी। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा प्रयास करने वाले ये बंदे थे। मतलब भगवान को भी इन्होंने बोला नहीं, हम नहीं जाने देंगे, लेकर के आए मुझे वापस, बहुत मेहनत किया है और उसी दिन से मैं इनका कायल हो गया, समझे ना। और राज जी तो अब मत पूछिए, ये मेरे हर चीज़ है। राज जी जो है ना, इनको देख के मेरा उत्साह बढ़ता है, इनका कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, मैं पहुँचता हूँ। सर एक आशीष सर, राज सर ने नेता मानता हूँ ना, नेता राज सर ने आपको एक गरीबों का मसीहा नेता के रूप में गुजारू, इनका बड़कपन है जो आज घोषणा किया है, इनका बड़कपन है, एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दर्जा दे दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इसी तरह से इनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मैं अच्छे अच्छे काम करता रहूँ, ये आके मेरे हर प्रोग्राम में मेरे उत्साह को बढ़ाते रहे। पिछले साल की बात है, कैलेंडर ओपनिंग करना था, उस साल भी 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन किया था, ऐसा नेता होता है 1 घंटा पहले फ़ोन करके अपने कार्यकर्ता को ध्यान रख के तुरंत पहुँचे, बोले नहीं जाना है, जाना मतलब जाना है और आए, मेरा उत्साह बढ़ा है। ऐसे नेता की जरूरत है, नेता ऐसे ही होना चाहिए। दावत में तो कोई भी जाता है,
बिल्कुल। मैं जैसे मैंने अभी बताया है, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ इनको और भगवान वाहेगुरु से अल्लाह ताला से दुआ प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसे सेवा करने की हिम्मत हौसला परमात्मा भगवान वाहेगुरु बख्शता रहे, और यही जो दिल से और निष्काम होकर सेवा जो कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से, और इनकी जो टीम है ये सेक्युलरिज्म का एक 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 बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हर हर कौम के लोग इनकी टीम में, इनकी कमेटी में हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा देश एक गुलदस्ता है, हर प्रकार के फूल उसमें हैं, तो ये भी एक गुलदस्ता ऐसी है कि हर प्रकार के फूल इनको इन्होंने सजाए हुए हैं। तो मैं इनको ये जो कंबल वितरण का कार्य है या जो इन्होंने कपड़े बच्चों को बांटे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये देश सेवा के लिए, हमारे समाज की सेवा के लिए, गरीबों को एक उनको हेल्प करने के लिए या उनको ऊपर लाने के लिए बहुत बड़ी सेवा है। मैं उनको, इनके टीम को, जावेद भाई की टीम को बहुत बहुत फिर से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।